आज की तारीख में जो सवाल महत्वपूर्ण है वो सवाल इस बात को लेकर, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी, सवाल इस बात को लेकर यह कि क्या महज स्वामी प्रसाद मौर्य अगर भारतीय जनता पार्टी छोड़ देंगे या दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी छोड़ देंगे तो हम ये क्यों मान के चलें कि दरअसल इनके साथ इनका पूरा समुदाय भी इनके साथ आ जाएगा। आज की तारीख में जो मौर्य कम्युनिटी उत्तर प्रदेश के अंदर है वो 8% के आसपास है, जो नुनिया कम्युनिटी है वो पूरे उत्तर प्रदेश को छोड़ती है लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3% के आसपास है। तो ये सिर्फ नेता है, क्या ये इतने बड़े नेता है कि जब ये एक पार्टी से दूसरी पार्टी जाते हैं तो पूरी की पूरी कम्युनिटी इनके साथ चली जाती है और वोट करती है उसी पार्टी को? आशुतोष जी, इस सवाल का जवाब देने के लिए 2014 या 2017 का चुनाव याद करना चाहिए। इस समय 2017 में खासकर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यही काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। उन्होंने इन तमाम नेताओं को गोलबंद करके उस नरेशन का जो 2014 के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में बनाया था कि ओबीसी का सारा हक तो यादवों ने ले लिया और आपको तो कुछ मिला नहीं, तो एक साथ वो दो काम कर रहे थे, एक तो वो गैर यादव ओबीसी को गोलबंद कर रहे थे और दूसरी तरफ वो जो हिंदुत्व का बड़ा बड़ा फ्रेम बना रहे थे उसके लिए भी वो उनका इस्तेमाल कर रहे थे। बीजेपी सफल हो गई, उन्होंने 2017 के चुनाव में लगभग 40% से ज्यादा वोट उनका ले लिया। लेकिन यही काम इस बार हो रहा है और इस बार बदलाव ये आया है कि वे जातियां जिनको आरएसएस के शिगोफे में यह समझा दिया गया था कि सही बात है कि ओबीसी में 86 में 56 एसडीएम यादव हो गए, सारे थानों पर डीएमएसपी सब यादव हो गए, आपको कुछ मिला नहीं। और हुआ यह है, मैं उर्मिलेश सर की बात से सहमत होते हुए उस समाजशास्त्र को एक एक लाइन में कहना चाहता हूं कि 90 के दौर का मंडल आंदोलन बिल्कुल अलग था, मुख्तलिफ था। वहां सारी जातियां गोलबंद होकर के अपने हक के लिए आगे आ रही थी। उसके बाद पिछले 3 दशकों में हुआ यह है कि उसी सामाजिक परिवर्तनों के चलते, जातियों के राजनीतिकरण के चलते परिणाम यह हुआ कि हर जाति अपने लेवल पर गोलबंद हुई है, उसकी राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक व आर्थिक हिस्सेदारी के सवाल मजबूत हुए हैं। इसलिए उन नेताओं की पहुंच और उन नेताओं की भूमिकाएं बढ़ गई हैं, खासकर उत्तर भारत में। अब उसका परिणाम ये हो रहा है कि 5 साल में उन्हें भी ये पता चला कि जब प्रदेश अध्यक्ष बना करके मौर्य जी को चुनाव लड़ा गया तो अचानक पीछे से अजय सिंह बिष्ट को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद जितने भी दावे थे कि जो अन्याय ओबीसी जातियों का हुआ है वो हम न्याय कराएंगे, पिछले 5 साल में जो हासिल हुआ वो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, ओबीसी की बहुत बड़ी तादाद किसानी से जुड़ी हुई है तो 5 किलो यूरिया कम करके रेट बढ़ा दिया, पेट्रोल डीजल से लेकर के महंगाई, किसानों के बिल, और रही सही बचर जो कसर थी वो साड़ों ने चर लिया। उत्तर प्रदेश में जाइए देखिए, किसान सबसे ज्यादा उनसे त्रस्त है। तो नौकरी, शिक्षा और फेक एनकाउंटर से लेकर के बुलडोजर चलना और किसानी पर जो प्रहार था, इन सारे सवालों में कम से कम ओबीसी जातियों को, नेताओं को भी किनारे रख दें तो भी उन्हें यह समझ में आ गया कि आपको तो हिंदू बनाया गया था एंटी मुस्लिम सिंड्रोम के यूज करने के लिए, मथुरा अभी अयोध्या जाती है, मथुरा काशी बाकी है करने के लिए, हासिल आपको कुछ नहीं हुआ। प्रतीकात्मक रूप में कहें तो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली लेकिन बैठने को भी स्टूल मिल गया। तो एक तो ये नरेशन उस समय जमीन पर बना हुआ है। अब रही बात ये कि नेताओं के जाने से वोट ट्रांसफर होता है या नहीं, ये जो मैंने बात कही कि नेताओं के जाने से ये जो नाराजगी, जो अखिलेश यादव 4.5 साल जमीन पर नहीं दिखे उस नरेशन को भी अगर मान लें तो जो सड़क पर उतरने और विजय यात्रा निकलने के बाद बुंदेलखंड जैसी जगह पर और उन इलाकों पर जहां उनका जनाधार नहीं है वहां भी भीड़ जो आई, वो नाराजगी को मैं अगर ये कहूं कि सारे सपा के लोग हैं ये कहना भी उचित नहीं, वो सत्ता से नाराज खेमा था और जिसमें बहुत बड़ा तबका अन्य पिछड़े वर्ग का था। तो ये सब कुछ मिला जो है, मुझे लगता है कि राजनीतिक परिदृश्य बहुत तेजी से बदला। और उर्मिले जी की बात को फिर से मैं इंडोर्स कर रहा हूं कि वाकई परशुराम वाले पर जाकर के आपका नुकसान होना है अगर आप एक गोलबंदी करने में कामयाब हो गए। आंकड़े आपने बताए हैं, इन सारी जातियों को मिला ले तो 35-40% वोट है। नेताओं के जाने से एक डिबेट बनती है, माहौल बनता है, और अगर इस वोट बैंक का आधा भी आपकी तरफ शिफ्ट हुआ तो वो परिणाम में बहुत असर करता है। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी, जो सवाल मैंने उर्मिलेश जी से पूछा था वो सवाल एक एकेडमिशियन के तौर पर मैं आपसे सवाल करता हूं कि आखिर ये जो हिंदुत्व की जो प्रक्रिया थी, क्या
क्या वो ठहरती हुई दिखाई पड़ रही है या मंडल की राजनीति अपने आप को नए सिरे से असर्ट करती हुई दिखाई पड़ रही है? मैं फिर से कह रहा हूं कि ये वाकई आपका सवाल इतना जरूरी सवाल है कि मुझे लगता है इस समय भारतीय राजनीति पर सबसे ज्यादा बहस इसी बात पर होनी चाहिए, क्योंकि आरएसएस एक विचारधारा को लेकर चलती है और निश्चित रूप से जैसा अरुण सर ने कहा ना कि सबसे ज्यादा मेहनत, कैडर बिल्डिंग और अब तो उनके पास रिसोर्सेज भी सबसे ज्यादा है, तो वो काम वो बहुत शिद्दत से करते हैं, वो नफरत भी इतने शिद्दत से फैलाते हैं कि उस पर भी कामयाब होते जा रहे हैं। एक तो ये बात है, वैचारिक लड़ाई में अगर आप आरएसएस का प्रतिपक्ष अगर चुनते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस तरह का एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक विमर्श धर्म का रच रही है, इस पूरे सांस्कृतिक विमर्श का प्रतिपक्ष सामाजिक विमर्श हो सकता है। डीके खापड़े साहब थे, बाम से बनाने में उनकी बड़ी भूमिका थी, वो अगुआ माने जाते हैं, वो एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य बोलते थे, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जवाब है सामाजिक ध्रुवीकरण। और इसका एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य दिखा भी, क्योंकि अक्सर हुआ ये कि हिंदू कहने के फ्रेम के भीतर सबसे ज्यादा कंधा बने वो लोग जो सदियों से वंचित शोषित थे, जो हिंदू फ्रेम के भीतर कभी खुद तिरस्कृत कर दिए गए। अखिलेश यादव के लिए तो गंगा जल से क्यों घर धुलवाया गया, इसका जवाब आज तक नहीं मिला है, पता नहीं उसके बाद वो क्या करते हैं, वो उसको बोलते हैं कि याद रखते हैं। लेकिन उसके साथ हुआ ये कि वो जो फ्रेम बना उसमें कंधा ये जातियां बनी और उस हिंदुत्व के पूरे विमर्श में, सांस्कृतिक विमर्श में सबसे ज्यादा लाभ उन्हीं लोगों को मिला जो पहले से लाभार्थी थे, जो पहले से ही थे। अब इसलिए जो 90 के दौर में हुआ वो एक बहुत बड़ा बदलाव था, और मैं यहाँ फिर से इस बात पर जोर दे रहा हूं कि वो एक ऐसा बदलाव था कि राम मंदिर आंदोलन के बावजूद उत्तर प्रदेश में बीजेपी औंधे मुंह के रहती, वह गोलबंदी ऐसी वंचितों शोषितों की गोलबंदी थी। आज ये बदलाव जो आया है, वसीम बरेलवी का एक शेर है, मैं कोट करना चाहता हूँ, इस तरह की वैसे भी आजकल ऐसी हुई है कि उसमें ये बातें नहीं हो रही है। वसीम बरेलवी लिखते हैं कि उसी को जीने का हक है जो इस जमाने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। तो यही इस समय उत्तर प्रदेश में हो रहा है, लग कुछ लोग रहे इधर के और हो जा रहे उधर के। बीजेपी ने यही काम 2017 में किया। मैं जो आपके सवाल के परिप्रेक्ष्य में फिर से जोर दे रहा हूं आशुतोष जी, इन सारी जातियों के भीतर अपनी एक राजनीतिक समझ विकसित हुई है, इनमें जो नौजवानों की पीढ़ी है वो अपने सांस्कृतिक विमर्श से जुड़ रही है, अपनी जड़ों की तरफ लौट रही है। बेशक वो गति धीमी होगी, लेकिन अब वो लोग ये समझ रहे हैं कि हमें केवल हिंदू मुस्लिम दंगे में इस्तेमाल कराने के हिंदू बनाया जाता है, वरना उत्तराखंड में एक स्कूल में खाना बनाने वाली महिला अगर दलित जाति की है तो उसके हाथ का खाना ना खाना, अभी NFS कर देना, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला कर देना, इन सब में किसका हक मारा गया? उन्हीं का हक मारा गया जिनका हक दिलाने के नाम पर भाजपा ने उनका वोट लिया था। तो यह जो सामाजिक बदलाव आया है, नई पीढ़ी जो आई है, रोजगार का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, इन्होंने एक ऐसी बहस तैयार की है जिसका लाभ मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को होना चाहिए, और या इससे बड़ी बात यह है कि जिसका नुकसान, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरे राष्ट्र में एक संकट पैदा करेगा जो 24 के चुनाव से जुड़ेगा।